देश में खेती किसानी और कृषि से जुड़ी तमाम योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली कैबिनेट में देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के जरिए फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। इसके अलावा देश के किसानों को अपना फसल उत्पादन बेचने के लिए एक अच्छा बाजार प्रदान किया जा रहा है। किसानों के लिए चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं में समय के साथ कई सुधार भी किए जाते हैं, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को ही फायदा मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में देश के 75,000 सफल किसानों की सफलता की कहानियों को संकलित किया गया है, जिनकी आमदनी दोगुनी से अधिक हुई है। आइए जानते हैं किसानों के लिए संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में सरकार द्वारा रुपए भेजे जाते हैं। दूसरी योजना है ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना। इस योजना के माध्यम से किसान पानी का बेहतर उपयोग करते हैं। इसमें प्रति बूंद अधिक फसल की पहल से किसानों की लागत कम और उत्पादन ज्यादा की संभावना रहती है। तीसरी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना में किसानों को वृद्धा पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल का बीमा होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। इसके अंतर्गत किसानों को सभी रबी की फसलों व सभी खरीफ की फसलों पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसके अंतर्गत उर्वरकों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाया जाता है। कृषि वानिकी हार्मोन पर पेंट की पहल द्वारा किसानों की अतिरिक्त आय होती है। राष्ट्रीय बांस मिशन, इसमें गैर वन सरकारी के साथ साथ निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा देने, मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर जोर देने के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, इस नई नीति के तहत किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने का प्रावधान है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, जैसे मधुमक्खी पालन के तहत परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और आमदनी के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अंतर्गत कृषि फसलों के साथ साथ डेयरी और मत्स्य पालन के लिए किसानों को उत्पादन ऋण मुहैया कराया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके तहत फसल की सिंचाई की जाती है। ENAM पहल, ये पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए होती। कृषि अवसंरचना कोष, इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए के आकार के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।